लाया गया था। आपको उसमें तस्वीरें दिखा देता हूं कि जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, उसी वक्त जो है एम्बुलेंस की जो एग्जैक्ट टाइमिंग है उसको मैच कराने के लिए दोबारा से जो है एम्बुलेंस को यहां से ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को बांदा जेल से बाकायदा जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ तक लाया जा रहा है, क्योंकि जो एग्जैक्ट टाइमिंग है उसके बारे में पता चल पाए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को जो है वो रखा गया है। चूँकि जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, ऐसे में कितना वक्त लगा था एम्बुलेंस को यहां पर लाने में और एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रही थी, इन सब चीजों की जो कैलकुलेशन है उसको करने के लिए एम्बुलेंस को फिलहाल यहां पर जो है दोबारा से बांदा जेल से लाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी को लेकर आई थी उसी एम्बुलेंस को दोबारा जो है बांदा जेल से यहां मेडिकल कॉलेज दुर्गावती जो मेडिकल कॉलेज है बांदा का वहां पर लाया जा रहा है। और लगातार इस पूरे रूट पर कितना डाइवर्जन रहा है, कितना टाइम लिया था एम्बुलेंस ने, इन सब चीजों का जो एग्जैक्ट पैमाना है उसको जो है तय किया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बेहद सुपर एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि जो टाइमिंग है उसके बारे में जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो जानकारी है उसको नोट किया जाएगा। क्योंकि ये जो मृत्यु भले ही नेचुरल डेथ इसको कहा गया हो, लेकिन इसको लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है और इसी वजह से अब एम्बुलेंस का जो एग्जैक्ट टाइमिंग है उसके बारे में जो है पूरी जानकारी जो है इकट्ठा की जा रही है कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अब जो एम्बुलेंस है वो बांदा जेल से सीधे जो है अब दुर्गावती जो मेडिकल कॉलेज है वहां पहुंचने के लिए आप देख सकते हैं कि पहुंचने वाली है। और जो टाइमिंग है कितना वक्त लगा है उसको लेकर जो है ये पूरा वक्त जो है ये पूरा एक मार्जिन लिया जा रहा है कि कितना वक्त लगा है। पुलिस की जो दो गाड़ियां थी वो आगे की तरफ थी और लगातार स्कॉट कर रही थी, तो उन सब चीजों का पूरा एक दोबारा से जो है ये कह सकते हैं कि एक बार उसको जो है फिर से एक बार देखा जा रहा है कि कितना समय लगा था और उसको रिक्रिएशन जो है वो किया जा रहा है कि एम्बुलेंस का वक्त कितना लग रहा है। तो ऐसे में ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त एम्बुलेंस को जो है दोबारा से बांदा जेल से दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लेके जाया जा रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हैं और ये तस्वीरें तब काम आएंगी, ये वक्त तब काम आएगा जब एग्जैक्ट टाइमिंग जो है जब कोर्ट में जो दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि इस वक्त जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के लिए जो एम्बुलेंस है वो अंदर की तरफ जो है अब यहां से अंदर जाएगी। तो ऐसे में तमाम जो जानकारियां हैं वो ये सामने आ रही हैं कि जो रिक्रिएशन है जो एम्बुलेंस की टाइमिंग का उसको भी जो है यहां पर पूरी तरह से चेक किया जा रहा है और एक एक चीजों को जो है देखा जा रहा है। तो दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में कितने वक्त में ये एम्बुलेंस पहुंची है इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि ये जो एम्बुलेंस है ये बांदा जेल से निकली है और उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज तक कब तक कितना वक्त लगाया है इसने, इन सब चीज़ों का पूरा रिक्रिएशन जो है वो किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो हैं ये बेहद अलग तस्वीरें हैं। तो पूरा रिक्रिएशन जो है वो मादा मेडिकल कॉलेज का जो है किया जा रहा है और इसी के आधार पर जो एग्जैक्ट टाइमिंग है उसको नोट किया जाएगा। क्या सहयोगी राम बालक साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, बांदा। तो कुछ देर पहले एम्बुलेंस की मूवमेंट हुई थी, तब मेरे मन में सवाल था कि ये एम्बुलेंस रात में क्यों मूव हो रही है। जवाब विशाल रघुवंशी की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि इस एम्बुलेंस के जरिए एक बार फिर से यह तय किया गया, क्योंकि जाहिर बात है कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी को लेकर आया गया होगा किसी ने घड़ी तो नहीं देखी होगी कि कितने मिनट में एम्बुलेंस जेल से पहुंची है हॉस्पिटल। लेकिन जवाब पूछा जाएगा अदालत में, यह सवाल जरूर आएगा कि जेल से हॉस्पिटल पहुंचने में कितना समय लगा, उसका रिक्रिएशन टीम ने करके देखा है और उससे यह पता लगेगा कि कितने समय में जेल से हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल कॉलेज तक यह एम्बुलेंस पहुंची है। और वही रिक्रिएशन इस वक्त आप